नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोनाउंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच आर चेंज्ड वेयर नेसेसरी। तो जो हमारा डायरेक्ट स्पीच के प्रोनाउंस हैं, जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसके जो प्रोनाउंस हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जहाँ पर नेसेसरी है उनको चेंज करना है। अब कैसे चेंज करना है वो आगे बताया जा रहा है। जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, जैसे आई, वी, मी, अस, माई, आर, इस चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आउटसाइड द इनवर्टेड कॉमास। जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउंस होते हैं, जैसे आई, मी, वी, अस, माई, आर, ये प्रोनाउन इन्वर्टेड कॉमा से बाहर, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। ठीक है, जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है उसमें जो प्रोनाउंस होते हैं, जैसे कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, वी, मी, आर, योर, सॉरी, माई, अस, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। रिपोर्टेड स्पीच में अगर ये प्रोनाउन दे रखे होंगे तो हमें पहले रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग इनको चेंज करेंगे। सेकेंड पॉइंट है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन जैसे यू, योर, योरसेल्फ इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमा। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन जो यू, योर, योरसेल्फ, जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच में, वो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर, इट मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। थर्ड आता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन, जैसे ही, शी, दे, इट, हिज, हिम, हर, देयर, देम, इट, इज, ही, इज नॉट चेंज। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है चेंज नहीं होंगी। नेक्स्ट, जैसे कि एग्जाम्पल है, ही सेड, उसने कहा, आई एम राइट, मैं सही हूँ। तो हम जो आई है हमारा फर्स्ट पर्सन, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब इन्वर्टेड कॉमा से बाहर जो सेंटेंस है रिपोर्टिंग वर्ब, इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करें। इसको हो जाएगा ही सेड दैट ही वॉज राइट। अब हमारा ये पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्रेजेंट में है, तब हम इसको, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो हम रिपोर्टेड स्पीच वाला टेंस को भी चेंज कर देते हैं दूसरे टेंस में। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जब चेंज किया जाता है, टेंस दूसरे टेंस में जब चेंज किया जाता है, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा फ्यूचर में है या प्रेजेंट में है, तब हमारा रिपोर्टेड स्पीच, मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस चेंज नहीं होता, सॉरी, टेंस चेंज नहीं होता। जैसे ही सेड दैट ही वॉज राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, यू आर गेटिंग लेजी। तो अब यू क्या है, ये सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में ये मैंने क्या बताया था किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो ये है मी। ठीक है, यू आर गेटिंग लेजी, यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है। तो यू, जैसे कि मैंने आपको बताया था, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो क्या होगा, वो सेड टू अगर हो तो मैंने बोला है किस चीज़ में चेंज होता है, टोल्ड में। ठीक है, और कॉमा हटाकर दैट आ जाता है, तो क्या होगा, ही टोल्ड मी दैट, मी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, आई वॉज गेटिंग लेजी। ठीक, नेक्स्ट है, इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमास, वी एज्यूम द ऑब्जेक्ट एज थर्ड पर्सन। अगर हमारा इन्वर्टेड कॉमा से बाहर, इट मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब में अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो वी एज्यूम द ऑब्जेक्ट एज थर्ड पर्सन, तो हम वहाँ पर ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन मान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव सेंटेंस में है, द रिपोर्टेड वर्ब से और टेल इज चेंज इंटू आस्क और इंक्वायर,
तब हमारा रिपोर्टेड वर्ब, मतलब तब हमारा रिपोर्टेड वर्ब में जो से और टेल होगा उसको हम आस्क या इंक्वायर में चेंज कर देंगे। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा तब हम अपना जो रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड वर्ब में से या टेल होगा उसको आस्क या इंक्वायर में चेंज कर देंगे। द इंटरोगेटिव फॉर्म इज चेंज इनटू द एसर्टिव फॉर्म, और फिर जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा होगा वो हमारा एसर्टिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा। द कंजक्शन दैट इज नॉट यूज्ड, और हम दैट का यूज नहीं करेंगे। इफ द क्वेश्चन इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब एज हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, नाउ, इटसी, देन द रिपोर्टिंग वर्ब इज फॉलोड बाय इफ और वेदर। कि अगर हमारा इफ द क्वेश्चन इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से इंट्रोड्यूस्ड नहीं होता हो या एडवर्ब से, जैसे कि हु, व्हाट, कहने का मतलब ये कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, नाउ से स्टार्ट नहीं होता है देन द रिपोर्टिंग वर्ब इज फॉलोड बाय इफ और वेदर, तब वहां पर हम इफ या वेदर का यूज करते हैं। जैसे कि ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, मतलब अगर हमारा रिपोर्टेड इसी बीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट नहीं होता है तब हम इफ या वेदर का प्रयोग करती हैं। ठीक है, तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, वेयर यू को हम ऑब्जेक्टिव वर्ड में चेंज करेंगे तो आई वाज गोइंग, अब हम इसे एसर्टिव में लाए, इंट्रोगेटिव था वेयर आर यू गोइंग, अब हम इसे एसर्टिव में ला रहे हैं, वेयर आई वाज गोइंग। नेक्स्ट है, ही सेड टू मी, सॉरी, ही सेड टू हिम, आर यू कमिंग टू द मीटिंग, अभी हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं है, इट मीन्स क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया इफ या वेदर आ जाएगा, तो ही आस्क्ड हिम, ठीक है, यहाँ टोल्ड नहीं लाएंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच हमारी इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पर हम टोल्ड नहीं लाएंगे, तो ही आस्क्ड लाएंगे या इंक्वायर, ही आस्क्ड हिम इफ, इफ क्यों लाए, क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट नहीं, इसलिए इफ लाए, तो इफ यू, यू को हिम के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, ही, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस बना देंगे, ही वाज गोइंग टू द मीटिंग, ठीक।